नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर मैं विष्णु शर्मा प्रख्याता हिंदी आप सभी के मध्य एक बार पुनः उपस्थित हूँ। मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के द्वितीय भाग को लेकर। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने गुप्त जी के व्यक्तित्व के पहलुओं को देखा था, उनका जीवन परिचय प्राप्त किया और उनके काव्य कृतियों के परिचय के अंतर्गत हमने उनके दो महाकाव्य साकेत और जय भारत की चर्चा की थी। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं उनकी शेष रचनाओं को। आइए मित्रों, चलते हैं इनके खंड काव्यों की ओर। मित्रों, प्रबंध का दूसरा भेद खंड काव्य होता है। खंड काव्य की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें कथा वस्तु संपूर्ण ना होकर उसका एक अंश ही होता है। प्रायः जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना या दृश्य का इसमें मार्मिक उद्घाटन होता है और अन्य प्रसंग संक्षेप में रहते हैं। खंड काव्य में किसी एक घटना, परिस्थिति अथवा पहलू का वर्णन होने के कारण इतना अवसर ही नहीं होता कि जीवन की समग्रता का वर्णन किया जा सके। डॉक्टर भगीरथ मिश्र खंड काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य के एक देश के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य है। इसमें कथा संगठन आवश्यक है, सर्गबद्धता नहीं। इसमें भी वस्तु वर्णन, भाव वर्णन और चरित्र का चित्रण किया जाता है पर कथा विस्तृत नहीं होती। आइए गुप्त जी के प्रमुख खंड काव्यों का परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम खंड काव्य जो गुप्त जी द्वारा रचित है वह है सन 1909 में प्रकाशित रंग में भंग। मित्रों, इस खंड काव्य में राजपूती आन बान शान के साथ यह बतलाया गया है कि बिना सोचे समझे बोली गई वाणी कभी भी रंग में भंग डाल सकती है अथवा विनाश का कारण बन सकती है तथा बोलने वाला व्यक्ति लज्जित महसूस करता है। कवि गुप्त जी इस मत के समर्थन में लिखते हैं कि वचन सुनियो नृपति के कविराज लज्जित हो गए, पड़ गए दृगदीन मानो कंच हिम से धो गए, प्रथम सोच विचार जो बात है कहता नहीं, वह बिना लज्जित हुए संसार में रहता नहीं। मित्रों, अपनी इस धारणा को सिद्ध करने के लिए गुप्त जी ने राजस्थान के बूंदी राज्य की घटना को आधार बनाया है। बूंदी नरेश वरसिंह की पुत्री का विवाह चित्तौड़ नरेश खेतल के साथ संपन्न होता है। बारात जब विदा होने को आती है उस समय राजा खेतल की प्रशंसा करता हुआ उनका राजकवि बारू उनके बारे में कहता है कि आपके समान स्वर्ग और पाताल में कोई भी दानी नहीं, और अगर दानी है तो मैं अपना सिर कटवा सकता हूं। इस पर राजा वरसिंह कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा दानी राजा खेतल नहीं हो सकता। तब कवि बारू लज्जा के कारण स्वयं अपना सिर कलम कर लेता है, जिसे वर पक्ष के लोग अपना अपमान समझते हैं और इस प्रकार रंग में भंग हो जाता है। लेकिन राजकुमारी सुचेता अपने पति धर्म व सतीत्व का पालन करती हुई अंत में पति खेतल के साथ सती हो जाती है। वह अपने पति धर्म पर अडिग रहती है। इस प्रकार नारी चरित्र की उच्चता का चित्रण प्रस्तुत काव्य की विशेषता है। गुप्त जी का अगला खंड काव्य जो कि एक ऐतिहासिक खंड काव्य है सन 1910 में प्रकाशित जयद्रथ वध है। इस काव्य की घटना का मुख्य आधार महाभारत का भीष्म पर्व है, जिसका आधुनिक संदर्भ राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना है। इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य द्वारा कवि गुप्त ने बताया है कि भारत देश की आजादी में नर के साथ नारी का योगदान भी अविस्मरणीय है। पराधीन राष्ट्र में व्याप्त निरुत्साह और अवसाद को अत्यंत तीव्रता से अनुभव करते हुए उत्तरा अपने पति अभिमन्यु को राष्ट्र रक्षा हेतु भेजकर क्षत्राणी होने का परिचय देती है। इस प्रकार राष्ट्र रक्षा में दम्भ भरने वाले पुरुष के स्थान पर नारी के योगदान का चित्रण प्रस्तुत काव्य का प्रयोजन है। अगला खंड काव्य है किसान, जिसकी रचना गुप्त जी ने सन 1917 में की थी। गुप्त जी ने किसान खंड काव्य के माध्यम से देश के जनमानस का ध्यान उस महत्वपूर्ण वर्ग की ओर खींचा है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर देश में अन्य वर्गों से पिछड़ा हुआ है। किसान अन्नदाता होकर भी स्वयं अन्न से वंचित है। आज देश के किसान को भूखों मरने की नौबत आ गई है। गुप्त जी ने
किसान की स्थिति का चित्रण करते हुए माना है कि कुत्ते भी हैं किसी भांति तद्दोदर भरते, करके अन्नोत्पन्न हमी है भूखो मरते। इस प्रकार किसान खंड काव्य में गुप्त जी शोषित और वंचित वर्ग की विषम परिस्थितियों का परिचय देते हुए किसान की दिनचर्या को प्रभावी अभ्यंजना के साथ प्रस्तुत करते हैं। गुप्त जी का अगला खंड काव्य है पंचवटी। इसका प्रकाशन सन 1925 में हुआ। पंचवटी काव्य के मूल में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चेतना विद्यमान है। पंचवटी गुप्त जी की काव्य रचना में क्रांतिकारी परिवर्तन है। उन्होंने शूर्पणखा में सुयोचित गुणों की छाप छोड़ी है, जो राक्षसी होने के बावजूद स्त्री सुलभ दया विनय और दीनता के भावों से युक्त है। रात्रि के समय प्रहरी लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन को ही श्रेष्ठ मानती है और अपनी भूल पर पछतावा करती है। प्रकार कवि गुप्त का शूर्पणखा के माध्यम से समाज में आपसी सहयोग की भावना के साथ सामाजिक मर्यादा को दर्शाना समग्र प्रयास है। वह देवी सीता से अन्य विनय करती हुई कहती है कि रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम से भी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। मित्रों गुप्त जी का अगला खंड काव्य है शक्ति। प्रकाशन वर्ष 1928। शक्ति खंड काव्य गुप्त जी का एक लघु काव्य है। इस काव्य की कथा वस्तु पौराणिक देव दानव संग्राम पर आधारित है, जिसमें संपूर्ण शक्ति नारी में निहित की गई है। काव्य का आधार पौराणिक होते हुए भी आधुनिक जीवन मूल्यों से युक्त है। इस काव्य में दुर्गा शक्ति के माध्यम से पराधीन भारत को स्वयं कर्तव्य और अधिकार का बोध कराना कवि का प्रतिपाद्य है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानव के सामूहिक प्रयत्नों की संस्तुति करते हुए पराधीन देश को आत्मसंबल के प्रति सचेत करना काव्य की मूल चेतना है। शक्ति काव्य में गुप्त जी अनेक देवताओं द्वारा अपनी दिव्य शक्ति को दुर्गा शक्ति के रूप में समन्वित करना और दुर्गा द्वारा महिषासुर शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन जैसे दानवों का वध करना दर्शाते हैं, जो वर्तमान जीवन में अन्याय व अत्याचार के समापन की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रकार गुप्त जी शक्ति खंड काव्य में बताते हैं कि यदि अनाचार के विरुद्ध समन्वित प्रयास किया जाए तो सफलता निश्चित है। कवि कहते हैं कि संग शक्ति ही कलि दैत्यों का मेटे की आतंक, इतना कहते कहते हर की हुई भ्रकुटी कुछ भंग। मित्रों इसके पश्चात सन 1928 में गुप्त जी अपने एक और खंड काव्य का प्रकाशन करते हैं, इसका नाम है सैरेंद्री। मित्रों सैरेंद्री खंड काव्य की कथा महाभारत के एक प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी विराट की रानी सुदेशना की दासी के रूप में सैरेंद्री के छद्म वेश में रहती है। कीचक नामक राक्षस जो अनाचार का प्रतीक है, द्रौपदी पर मोहित होकर उसे पाना चाहता है। कीचक के कामातुर व्यवहार से संतप्त होकर द्रौपदी पहले राजा की सभा में न्याय की गुहार करती है, परंतु वहां न्याय न मिलने पर भीम के पास जाती है। भीम कीचक का वध कर उसे उसके पाप का फल देते हैं। इस प्रकार गुप्त जी इस खंड काव्य में नारी शक्ति के माध्यम से यह बतलाते हैं कि पाप और असत्य वृत्ति का विनाश निश्चित है। दूसरी ओर द्रौपदी के माध्यम से गुप्त जी बताते हैं कि नारी अबला हो सकती है पर उल्टा नहीं। नारी संसार में ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती जिससे उसकी मर्यादा भंग हो। नारी संसार में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे उसकी मर्यादा भंग हो। मित्रों सैरेंद्री के पश्चात सन 1928 में ही आपने एक और खंड काव्य वन वैभव की रचना की, उसका प्रकाशन किया। इस काव्य में गुप्त जी आधुनिक संदर्भ में देश की एकता और अखंडता पर बल देते हैं। वन के वैभव में शांतिपूर्वक रहते हुए पांडवों को कष्ट पहुंचाने के लिए अज्ञानता और कुलीनता के वशीभूत होकर कौरव कुटिल बन जाते हैं। वे पांडवों को मारने की योजनाएं बनाते हैं, जहां कौरवों को गंधर्व राज चित्ररथ द्वारा पराजित कर बंधक बना लिया जाता है। कौरवों के
संकट के समय में पांडवों के द्वारा ही उनको मुक्त कराया जाता है। कौरवों की अज्ञानता और कुटिलता के विपरीत पांडवों के मन में सहयोग और सहायता की भावना रहती है। अंत में कौरव भी अपनी कुटिलता त्याग देते हैं। मित्रों, इस घटना को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कौरव और पांडव देश के दो समुदाय हिंदू और मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई बाहरी शक्ति आपसी फूट का लाभ उठाकर देश पर हमला करना चाहती है, तब हम भी 5 पांडव और 100 कौरवों की भांति मिलकर 105 हो जाएं तो आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे वह बात इस कोरोना नामक महामारी की ही क्यों ना हो, एकता में सामाजिकता का भाव है और इसी भाव को व्यक्ति प्रदान करते हुए गुप्त जी लिखते हैं कि जहां तक है आपस की आंच, वहां तक वे 100 हैं हम 5, किंतु यदि करें दूसरा जांच, इन्हें तो हमें 105। तो 1928 में ही गुप्त जी का एक और खंड काव्य सामने आता है और वह है वक्र संहार। इसका प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। इस खंड काव्य की घटना महाभारत के एक लघु प्रसंग पर आधारित है, जिसमें कवि गुप्त माता कुंती के माध्यम से नारी मातृत्व की व्यापकता, उदारता और जीवनोत्सर्ग को अभिव्यक्त करते हैं। अज्ञातवास के समय 5 पांडवों द्वारा माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर छद्म वेश में आतिथ्य स्वीकार किया जाता है। उस परिवार के एक सदस्य को दैत्य वकासुर के यहाँ भोज्य के रूप में जाना होता है और उस परिवार की समस्या का समाधान माता कुंती अपने एक पुत्र भीम को भेजकर करती है और भीम के द्वारा दैत्य का वध करके और प्रजा को अभयदान प्रदान किया जाता है। प्रकार माता कुंती के रूप में नारी सुलभ मातृत्व की व्यापकता, उदारता और जीवनोत्सर्ग प्रस्तुत खंड काव्य की मौलिकता है। 1929 में आपका अगला खंड काव्य विकट भट्ट सामने आता है। मित्रों, विकट भट्ट गुप्त जी का ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित प्रथम एतुकांत खंड काव्य है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त जी का ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित प्रथम एतुकांत खंड काव्य कौन सा है? तो मित्रों, इसका उत्तर हुआ विकट भट्ट, प्रकाशन 1929। इस खंड काव्य में गुप्त जी ने राजस्थान के जोधपुर राज्य के राजपूतों की आन बान शान दर्प शौर्य और संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति दी है। काव्य का वर्ण्य विषय राजपूती शौर्य, निर्भीकता, प्रतिज्ञा पालन, बलिदान भावना, सत्य निष्ठा आदि है। इस प्रकार विकट भट्ट खंड काव्य में गुप्त जी ने देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना का संचार किया है। 1929 में ही गुप्त जी का एक और खंड काव्य सामने आता है, इसका नाम है गुरुकुल। इस खंड काव्य में गुप्त जी धार्मिक समन्वय, सामाजिक एकता, त्याग और बलिदान की भावना प्रकट करते हैं। सिख गुरुओं के मानवीय आदर्श, त्याग, साहस, वीरता, बलिदान आदि गुणों की व्यक्ति प्रस्तुत खंड काव्य में की गई है। गुप्त जी ने उन गुरुओं तथा उनकी नारियों में भी पुरुष के सुख दुख में यथाशक्ति सहयोग देने का परिचय दिया है, जो कभी उनकी सफलता में बाधक न बनी बल्कि छाया की भांति साथ खड़ी नजर आती है। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, हरिराय, अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर आदि के जीवन की बलिदान कथाएं त्याग आदि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए गौरवशाली गुरु परंपरा की मार्मिक और ओजस्वी अभिव्यक्ति इस खंड काव्य की मौलिकता है। 1936 में आपका अगला खंड काव्य सामने आता है द्वापर। श्रीमद् भागवत गीता के दशम स्कंद के 23वें अध्याय की कथा को आधार बनाकर अपनी इस रचना में गुप्त जी बताते हैं कि श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ वन विहार करते हुए दूर निकल जाते हैं। वहां उनके बंधुओं को भूख लगती है। पास में ही यज्ञ होता देख वे भोजन प्राप्ति के लिए उन्हें वहां भेजते हैं, किंतु याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा उन्हें धिक्कार कर ठगा दिया जाता है। भगवान कृष्ण उन्हें फिर भी यज्ञशाला में भोजन हेतु भेजते हैं, परंतु इस बार पुरुषों के पास नहीं
स्त्रियों के पास भेजते हैं और वहां उनकी अभिलाषा पूर्ण होती है। इस प्रकार स्त्रियों ने उनकी भोजन देकर सहायता की। ये नारियां उदार भावना की परिचायिका हैं। इस प्रकार कवि ने इस खंड काव्य में नवीन उद्गारों के साथ राधा, यशोदा, देवकी, उपजा और गोपियों की मानसिक स्थितियों को आत्माभिव्यंजक भावोद्गारों के रूप में व्यक्त किया है। द्वापर की कुब्जा राधा की सौतन ना होकर सेविका है और राधा से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। कुब्जा कहती है, मेरा ही अधिकार यहां सुन, राधा रुष्ट न होगी, दासी को वंचित कर तेरी रानी तुष्ट न होगी। 1936 में ही गुप्त जी द्वारा सिद्धराज खंड काव्य की रचना की जाती है। इस चरित्र प्रधान ऐतिहासिक खंड काव्य में गुप्त जी भारत के मध्यकालीन राजपूत वीरों की आन बान शान के साथ उनकी शूरवीरता, संकल्प शक्ति तथा वचनबद्धता के साथ उनकी मानवीय चारित्रिक दुर्बलताओं का प्रतिपाद्य करते हैं। गुप्त जी इस खंड काव्य में इतिहास और कल्पना का सुंदर मिश्रण करते हैं और सिद्धराज जयसिंह द्वारा किए गए युद्धों का चित्रण करते हुए देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बल देते हैं। उन्होंने सिद्धराज जयसिंह के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और नारी के चरित्रोत्कर्ष की सुंदर व्यंजना करते हैं। इस खंड काव्य में उनकी माता और पत्नी का चरित्रोत्कर्ष भी काव्य को उच्चता प्रदान करता है। 1940 में गुप्त जी का एक और खंड काव्य सामने आता है, नहुष। गुप्त जी द्वारा रचित यह खंड काव्य नहुष हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। यह भाव, भाषा और अभिव्यक्ति की दृष्टि से सरल, सरस और सुंदर रचना है। खंड काव्य के माध्यम से गुप्त जी ने मानव जाति को सावचेत करते हुए संदेश दिया है कि मनुष्य बार बार ऊंचा उठने का प्रयत्न करता है, लेकिन नारी का अपमान और मानवीय दुर्बलताएं उसे बार बार गर्त की ओर ले जाती हैं। मनुष्य को उन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। मानव धर्माचरण, बुद्धि, कौशल, क्षमा और दया जैसे गुणों के द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, लेकिन आधिकारिक सुख प्राप्ति पुरुषोचित दुर्बलताओं और अहंकार के कारण वो अकर्मण्य हो रहा है। इसकी कथा के अनुसार नहुष अपने सत्कर्मों द्वारा इंद्रासन प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर विषय भोगों में लीन होते हुए शची को भी अपनी काम शक्ति का लक्ष्य बनाता है। इस प्रकार मानवोचित दुर्बलताएं और नारी का अपमान उसे अधोगामी बनाता है और वह अभिशप्त होता हुआ स्वर्ग भ्रष्ट होता है, लेकिन ऊपर उठने के दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति उसका मनोबल टूटने नहीं देती। इस प्रकार नहुष मानव जाति को सतत प्रयत्नशील तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुप्त जी नहुष के माध्यम से भारतीयों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूं जो अभी, फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं, नर हूं पुरुष हूं मैं, चढ़ के रहूंगा मैं। मित्रों इसके पश्चात 1942 में कवि का एक और खंड काव्य सामने आता है, अर्जन और विसर्जन। मित्रों इस खंड काव्य में दो कविता खंड हैं। अर्जन नामक कविता खंड में गुप्त जी नारी के त्याग, बलिदान और सीरिया वासियों के देश प्रेम, जाति गौरव और स्वधर्म निष्ठा को अभिव्यक्ति देते हैं। इन गुणों का देशवासियों को अर्जन करना चाहिए। विसर्जन नामक कविता खंड में कवि अफ्रीका की मूर जाति की रानी काहिना, जो कि संपूर्ण नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसका दृढ़ चरित्र प्रस्तुत करते हैं और स्वाधीनता और मानव मूल्यों को अभिव्यक्ति देते हैं। स्वाधीनता और राष्ट्र के लिए सर्वस्व विसर्जन गुप्त के आत्मोत्सर्ग व्यक्तित्व का प्रतिफल प्रकट होता है। इस प्रकार मानव को अर्जित भावों का अर्जन तथा विसर्जित भावों का विसर्जन, यह प्रस्तुत खंड काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। 1943 में एक और खंड काव्य हमारे सामने आता है, काबा और करबला। काबा खंड में गुप्त जी के विराट समन्वयवादी व्यक्तित्व
मानवतावादी दृष्टिकोण और सर्वधर्म संभाव का स्वरूप उजागर होता है। वे इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के उदार मन, बलिदान भावना और समन्वयता आदि मानवीय गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्म में उतनी कट्टरता नहीं है जितना लोग मानते हैं। उनके अनुसार कुछ स्वार्थी लोगों ने इस्लाम को कट्टरता का आवरण पहना दिया है, जिसके कारण आज इस्लाम धर्म लोगों की नजरों में कट्टर धर्म बन गया है। दूसरा खंड है करबला, जिसमें मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की उदार मानसिकता, दयालु प्रवृत्ति, सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता, स्वार्थ रहित भक्ति और उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को काव्यबद्ध किया गया है। गुप्त जी ने इस खंड काव्य में प्रत्येक भारतीय नागरिक को सर्वधर्म संभाव अपनाने पर बल दिया है। यही इस खंड काव्य का मूल उद्देश्य भी है। 1946 में खंड काव्य जो पाठकों के समक्ष आता है वह है अजित। अजित खंड काव्य की रचना गुप्त जी अपनी कारावास अवधि के दौरान 1946 में करते हैं। यह रचना बहुत समय बाद पूर्ण होती है। इसका नामकरण भी इसके प्रमुख पात्र अजित के नाम पर ही हुआ है। मित्रों, गुप्त जी ने इस रचना का आरंभ अपने कारावास की स्मृति के रूप में कारा के नाम से किया था, लेकिन बहुत दिनों तक यह रचना अधूरी पड़ी रही। जब कवि इसे पूरा करते हैं तब इसके प्रमुख पात्र अजित के नाम पर ही इसका नाम संस्कार कर देना उन्हें उचित लगता है। इस खंड काव्य में कवि का विराट समन्वयवादी व्यक्तित्व, मानवतावादी स्वर का जय घोष एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना ही प्रमुख रूप से मुखरित हुई है। गांधी जी की अहिंसा चेतना का प्रबल स्वर भी इसमें दिखाई पड़ता है। कवि गुप्त ने स्वयं अहिंसा धर्म को अपनाते हुए मर्यादित अहिंसा धर्म अपनाने का आह्वान किया है। लिखते हैं, स्वयं अहिंसा धर्म मानता हूं मैं दादा, पर होती है एक धर्म की भी मर्यादा। मित्रों, इसके पश्चात 1950 में प्रकाशित प्रतिशिक्षा नामक खंड काव्य हमारे सामने आता है, जिसका मूल उद्देश्य राम भक्ति भावना को प्रकट करना है। प्रतिशिक्षा खंड काव्य में गुप्त जी ने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था का पुनरुद्धय व्यक्त किया है। राम कथा का यह लघु संस्करण बिना किसी सर्ग या संदर्भ विभाजन के राम कथा का प्रस्तुतिकरण है। इसमें गुप्त जी ने भगवान राम के जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं को प्रस्तुत किया है। मित्रों, प्रतिशिक्षा के पश्चात 1951 में प्रकाशित होती है गुप्त जी की एक और रचना और खंड काव्य पृथ्वीपुत्र। इस खंड काव्य में दिवोदास, जैनी और पृथ्वीपुत्र नामक तीन कविताओं का संग्रह है। दिवोदास लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को स्वतंत्रता सेनानी संपूर्णानंद जी से मिली। दिवोदास के माध्यम से गुप्त जी राष्ट्रभक्ति का बीजारोपण करते हैं। जैनी नामक कविता खंड में कार्ल मार्क्स के दाम्पत्य जीवन की झलक है, जिसके प्रति गुप्त जी स्वयं आकर्षित हैं। पृथ्वीपुत्र नामक कविता खंड में गुप्त जी बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा था जो किसी समय टूटकर गिरा और करोड़ों वर्ष तक जलते रहने के बाद ठंडा हुआ। इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी को माता के समान और मानव को पुत्र के समान मानकर पृथ्वीपुत्र के रिश्ते का गरिमा में चित्रण किया गया है। गुप्त जी माता पृथ्वी के माध्यम से मनुष्य को आगे बढ़ने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तुमको बड़े से बड़ा देखना चाहती हूं मैं, मेरे जात जंतुओं में मुख्य तू ही है। मित्रों, पृथ्वीपुत्र के बाद 1951 में प्रकाशित होने वाली एक और खंड काव्य रचना है युद्ध। जय भारत के युद्ध शीर्षक खंड का प्रकाशन 1951 में हुआ। महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से लेकर दुर्योधन के गदा युद्ध में परास्त होने तक के युद्ध के 18 दिनों की घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत कृति में कवि गुप्त ने किया है। इस खंड काव्य में आधुनिक संदर्भ में युद्ध से होने वाले विनाश
और विकास की रुकावट को वर्णित किया गया है। मित्रों, कृष्ण, बलराम और युधिष्ठिर द्वारा युद्ध के परिणामों की भयंकरता संबंधी गुप्त जी का चिंतन काव्य को मौलिक धरातल प्रदान करता है। युद्धों का प्रभाव केवल एक पीढ़ी पर ही नहीं पड़ता, अपितु आने वाली पीढ़ी भी उस विभीषिका को झेलती है। युद्ध चाहे हिरोशिमा या नागासाकी का हो या भोपाल गैस दुखांतिका का दर्द हो, आज भी होने वाले बच्चों पर देखा जाता है। मित्रों, इस रचना के पश्चात 1957 में हमारे समक्ष आती है गुप्त जी की एक और रचना विष्णुप्रिया नामक खंड काव्य। इस खंड काव्य के द्वारा गुप्त जी पति परित्यक्ता नारियों को सामाजिक धरातल और गरिमामय स्थान प्रदान करते हैं। कवि की उर्मिला एवं यशोधरा जैसे पात्रों के चरित्र की अवधारणा का चरम विकास विष्णुप्रिया नामक खंड काव्य में हुआ है, जिसमें विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु के सिद्धि मार्ग की बाधक न बनकर सहयोगी की भूमिका में उभरी है। इस खंड काव्य में चैतन्य महाप्रभु का हृदय वैराग्य भावना और कृष्ण प्रेम से भरा है, अतः वे अपनी माता शची और पत्नी विष्णुप्रिया को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं, लेकिन विष्णुप्रिया अपनी दुविधा को छोड़कर उस भूमि पर ही रहने की कामना करती है जहां सब उर्वरा शक्ति के साथ सुखी और प्रेम पूर्वक रहें। प्रकार विष्णुप्रिया परहित भाव से अपनी सफलता की नहीं अपने जीवन की प्रियतम के सफल होने की कामना करती है। मित्रों, सन 1960 में पति परित्यक्ता नारियों के जीवन चरित्रों की चिंतन परंपरा में अंतिम सोमान के रूप में एक और खंड काव्य हमारे समक्ष आता है, का नाम है रत्नावली। रत्नावली काव्य में गुप्त जी ने गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चरित्र चित्रण किया है, वह उनके साहित्य की अमूल्य निधि है। यह खंड काव्य कोई ग्रंथ ना होकर लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसमें गुप्त जी ने नारी जीवन की करुणा, स्वाभिमान और पतिव्रत भावना का अलौकिक चित्रण किया है। रत्नावली हमेशा छाया के समान पतिव्रत धारण करती है। गुप्त जी ने रत्नावली के पतिव्रत धर्म का चित्रण करते हुए लिखा है कि छाया भी छाया नहीं छोड़ती तरु की, फिर तब की तृष्णा तृप्त करोगे कैसे। प्रकार रत्नावली खंड काव्य आत्मनिवेदन और आत्मग्लानी की युद्धात्मक धाराओं के बीच रत्नावली की वेदना ही कवि का मुख्य प्रतिपाद्य है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होने के क्रम में इस भाग में हमने उनके कृतित्व के अंतर्गत खंड काव्यों की चर्चा की। इनके शेष काव्य जिनमें मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, अनुदित काव्य, नाटक आदि की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।